बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोरो 234 के नाम से ज़ुबैर अली हाज़िर है आपकी खिदमत में एक नया गेम लेके। अच्छा, यहाँ पे हम ये 10 मिनट वाली सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो सर है कुछ स्नैपी करके नाम है, देखते हैं। 1500 क्वेश्चन मार्क है, कुछ पता नहीं है, अभी तक बारी चला ही नहीं है। ओके, तो ये आ गए अपने सामने इंडियन ओपनिंग। इसका रिप्लाई किससे करें? क्वीन गैम्बिट से कर देते हैं। वाओ, तेज़ है, काफ़ी तेज़ है, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, पहले अपनी घोड़े की पोजीशन अच्छी करते हैं। अटैकिंग पोजीशन आ गई, तो पहले घोड़े से इसको थोड़ा सा डिफेंड करते हैं। ओपनिंग हमें अपनी अच्छी रखनी है। ये ऊँट लेके आएगा, आने दो। और क्या करना था, एक पोजीशन मेरे दिमाग में आ रही है। ये मैंने एक ग्रैंड मास्टर को खेलते हुए देखा था, तो ट्राई करते हैं आज। तो क्वीन साइड कासल, सॉरी किंग साइड कासल किया है। ये क्या हो रहा है, डेंजर डेंजर, लेकिन ये अपनी लाइन खोल रहा है तो हमारे लिए बुरा नहीं है। वैसे भी हमने यहाँ से ओके मार्क के उसके बाद ठीक है, तो पहले हम इसको कैप्चर कैप्चर ही खेल लेते हैं। घोड़े से मारेगा शायद, नहीं मारा घोड़े से, इसने बेवकूफ़ी कर दी। तो अब हमारे पास मौका है ब्लॉक करने का, पहले ब्लॉक करेंगे। उसके बाद घोड़े से, घोड़ा आगे बढ़ा के और मूविंग पोजीशन बना सकते हैं इस वाले घोड़े से। उम्मीद तो थी मुझे कैसा कुछ होगा। अच्छा, यहाँ पर घोड़ा कैप्चर ये नहीं करेगा तो फोर्थ से वैसे तो उसको कैप्चर करना चाहिए। हमारे पास रास्ता थोड़ा सा खुलेगा, हमारे टुल्ले थोड़े से सही हो जाएंगे, तो किंग साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कैप्चर तो उसको करना ही, वरना अगले मूव के अंदर या तो मैं सर घोड़ा मार ही दूंगा या फिर टुल्ला कैप्चर करके इसको एक फॉक में फंसा दूंगा जहाँ इसकी दीवार चली जाएगी। देखते हैं क्या होता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और उसके बाद इसके इस पॉन के ऊपर भी अटैक खेल सकते हैं, देखो फोर्स था। और यहाँ पे हम पोजीशन जो है वो इस जगह के बजाय अगर इस जगह से खोलें तो हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। क्या करें क्या करें क्या करें, हम तो चाहते हैं जगह खुले, लेकिन जो ऊँट की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। और इसका ये पॉन मगर मैंने अलाउ कर दिया तो फिर मुसीबत, तो बेहतर है कि इसी से कैप्चर करके आल्फ्रेड जान छुड़ा। और अगर ये इसको हटाने के लिए हमारे पॉन पे अटैक करता है तो हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो मुझे ख्याल में, मेरे ख्याल में मुझे कासल वैसे कुछ नहीं करना। ओह ओह, ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रेव डिसीजन था ये वापस लेने का, लेकिन इसने मुझे ये अलाउ कर दिया जो मैं चाह रहा था कि हो। वेरी गुड, लेकिन इसको हमारे प्लान के बारे में भी पता नहीं है। कैप्चर हो जाता है, हो जाने दो, लेकिन हमारा ऊँट जो जिस पोजीशन में आ रहा है हमें वहीं लाना है उसको, और कहीं नहीं लेके जाना। तो ठीक है, पोजीशन बुरी नहीं है, हमें पहले तो उसको यहाँ करना है, भले ही कैप्चर करता है करने दो, उसके बाद मूव नहीं बनेगा। अगर ये दोनों पॉइंट भी मार देता तो कोई परवाह नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर दो पॉइंट मर भी रहे तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसने ये करके हमें कासल करने का मौका दे दिया। हम कासल बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। उसके बाद हमें अपना किसी तरह से ये
इसको आगे लाना है यार। हाँ ये वही ना बात, थोड़ी सी वीकनेस क्रिएट तो कर दी है इसने, अब उसका फ़ायदा हम इस तरह से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते ये सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमारा चूल्हा खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं है। क्या करें क्या ना करें, ब्लैक ऊंट इस वक्त की है, बाकी तो कुछ भी की नहीं है। तो ये रानी, डियर रानी, अगर ये पुश करता है तो मैं पहले तो क्या करूँगा, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी बैड। ठीक है, हम एक फोन को कैप्चर करने में तो कामयाब हो गए, दूसरा देखते हैं अब। अब ये क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, क्योंकि अगर ये सोच रहा है कि हम फोन कैप्चर करेंगे तो हम तो करने वाले ही नहीं है, इसके मूव ज़ाया होंगे। मारते हैं, अगर फोन कैप्चर कर भी लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, उल्टा ये फंस जाएगा। वाकई यार ये फंस जाएगा, इसको फंसाओ। फिफ्टीन हंड्रेड शू करे छे, 1500 अच्छा। ऊँट को, ब्लैक वाले ऊँट को जिस पोजीशन पे लाना था वहाँ पे तकरीबन तकरीबन आ चुका है, बस छोड़ा था एक मूव मुझे हिलाना है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या, अच्छा ये दीवार पीछे रख सकता है ऊँट के। वाओ इट वाज एन अमेजिंग डे वे, मुझे पसंद आया ये मूव, अच्छा मूव खेला इसने। तो ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये छः पर छः हैं, लेकिन इसके बाद दो दो बिशप है इसके पास। अच्छा मैं इसको मार के इसको फोर्स करके और कर सकता हूँ, लेकिन पोजिशन ख़राब ही हो जाएगी, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में। इस पोजीशन में इसको यहाँ पे टुल्ला और अलाउ करना थोड़ा सा हानिकारक हो जाएगा। तो क्या करें, कुछ और सोचना है, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा भाया। यहाँ पर अगर आते तो यहाँ पर अटैक बनेगा, मेरी रानी बन के उसको आगे कर सकते हैं, पोजीशन हमारी खुल जाएगी, बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है ये होगा, ये नाउ यू कैन कैप्चर माई क्वीन, कम ऑन, ले जा ले जा ले जा ले जा, शाबाश, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक्सचेंज एक्सचेंज, इडियट, कदेड़ा, टोंकी। ठीक है, इसने हमें मौका दिया है कुछ कर दिखाने का, और मसला ये कि हमारे पास सब वो चाल नहीं बन रही है। फिर हम यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ घूम फिर के इधर उधर से सब जगह से, फिर कहीं जाके हम उसके ट्रैप में फंस ही ना जाए, तो क्या करना चाहिए। इसके ऊँट को मार के कुछ शे दें, नहीं गलत हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सारी पोजीशंस क्लोज पड़ी हुई हैं और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मैं इसको किसी तरह ट्रैप कर सकूं। मतलब ये गेम अच्छा खेल रहा है, जब अच्छा गेम खेल रहा है तो अच्छी तरह से निपटना पड़ेगा। पहले तो अरे यहाँ लाते हैं, देखते क्या करता है। कुछ ना कुछ तो करेगा ज़रूर। एक बैटल आया है अभी, कुछ किसी ने चैलेंज भेजा है, देखते हैं चैलेंज भी देख लेते हैं भाई। कौन दो कदम आगे आ सकता है, ऐसा चैलेंज। और मजे की बात है कि घोड़ा भी नहीं मरेगा, मेरी रानी फंस सकती है। एज आई एक्सपेक्टेड, कौन को सेव करते हैं क्योंकि ये अटैकिंग पोजीशन पे आने वाला है। बस अगर इसने अटैक किया रानी पे तो हम उस पीस को कैप्चर कर लेंगे सीधे का, पर अगर इसने नहीं किया तो भी ठीक है। क्या करी गई है ये तो यकीनन रानी तो बचाएगा पहले। ओ माय गॉड, ये क्या किया इसने, से रानी बचाई ही नहीं। यार फिर तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी रानी को बाद में मारूं और पहले इसकी दीवार कैप्चर करूं, मेरी गेम स्ट्रांग हो जाएगी, उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। क्या करूं, कमान 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 कमान। ठीक है पहले रानी मार देते हैं, दफा करो। हो सकता है कि दीवार रखने की गलती करे, ये हो सकता है रिज़ाइन कर दे, रिज़ाइन भी कर सकता है। रिज़ाइन भी कर सकता है, कम ऑन बेटा, रिज़ाइन करने के टाइम आ गया है। अगर दीवार रखेगा फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे लिए। मतलब जहाँ मैं 9 पॉइंट्स उठा रहा हूँ वहाँ पे मैं मज़ीद 5 पॉइंट और इजाफा कर लूँगा। ये भुलक्कड़ टाइप के प्लेयर्स होते हैं, क्या कर सकते, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। कम ऑन, प्ले द मूव नाउ। आई नो इट, आई नो इट, मुझे मालूम था तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करेगा ही करेगा। ठीक है घोड़ा हमारा हुआ, ये 3 पॉइंट का और वेस्ट। वेरी गुड, अब गई रानी फ्री में। अब दीवार देगा तो मैं खुशी खुशी ले लूँगा रानी से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यह पहली बार कोई वीडियो बनाई और इसके अंदर मेरा ये ख़तरनाक चेहरा आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने बाल और दाढ़ी काफ़ी दिनों से नहीं बनाई है, मौका ही नहीं मिल रहा काम की वजह से, और कल बहुत ज़्यादा थका हुआ था इस वजह से कोई वीडियो अपलोड कर नहीं सका। उम्मीद है आप लोगों को इस पाकिस्तानी प्लेयर का गेम पसंद आया होगा। ओ ये तो यार सुबह को इसके साथ खेली थी मैंने, 3 गेम है उसे, मेरा गेम काफ़ी पसंद है।
हालांकि तीनों के मैं हारा था, उसके बावजूद मेरे साथ खेलना चाहता है। इसको पहले हाय हेलो बोल देते हैं। हाय हेलो गुड लक। इस्लाम इस्लाम के साथ मेरा मुकाबला यार मैं खुद मुसलमान हूँ, क्या मुकाबला करूँगा मैं अबे चला दे बारी यार अरबी भाई। यस आई डू। सिसिलियन ओपनिंग, सिसिलियन ओपनिंग डायरेक्ट इसके लिए नहीं जा सकता मैं। और यहाँ पे तो ये तो फिर ये क्या, ये सीख के आया है किसी से। सुबह तक तो इसे गेम खेलने भी नहीं आती थी, तीन गेम स्ट्रेट हारा था। ये देखें तीन गेमों में चेकमेट हुआ है। पहला गेम तो बहुत ख़राब था, बच्चों की तरह खेला था। दूसरा गेम से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खेला, तीसरा गेम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग खेला, और अब ये चौथा गेम ये सीख रहा है, वाकई सीख रहा है। सिसिलियन ओपनिंग की तरफ ये गया है, मेरे दोनों पोन्स खा जाएगा, मेरी ओपनिंग खराब हो जाएगी। नो पहले तो उसको खा ले भाई, क्योंकि यही एक बच जाएगा बीच में और मेरी गेम खराब हो जाएगी। तू अपना सेंटर कंट्रोल खराब कर दे, मेरा मत कर। ये अब आ जा तू सेंटर लाइन में। वेरी गुड, नाउ यू कांट कैप्चर इट। पर इसको मैं एक कदम और आगे शायद शायद बढ़ा दूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तो फिर मेरा घोड़ा इजीली आ जाएगा वहाँ पर। और ऊँट का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरा ऊँट तो आपको पिन ही करेगा बेटा, और तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, गया तुम्हारा टुल्ला। थारो टुल्लो तो गयो, भूल जा अपने टुल्ले नू, रानी से कैप्चर करेगा आजा। ये भी ना बात, बड़ा चैलेंजिंग बंदा है यार ये, चेक दे सकता है पक्का 100%। ओ शिट, ये क्या किया इसने, ये तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी इसने। नहीं, बेटा मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। पहले आप जो है यहाँ पे भी आ रहे हो, वहाँ पे भी आ रहे हो। यार अब तो वाट लगा दोगे सर, किससे सीख के आया ये किससे सीख के आया है, किसी ना किसी से सीख के आया है, इसे नहीं आया ये। डिफेंड है हमारे पास, अमेजिंग यार। सुबह को उसका गेम क्या था और अब क्या है, बहुत फर्क आ गया। हाँ मालूम था मैं पहले तैयार होके आया हूँ बेटा, टेंशन मत ले, मेरा घोड़ा कैप्चर करेगा इसको। थोड़ा सा अभी वीक हो, इतने स्ट्रांग नहीं हो अभी। इस्लाम भाई यार नाम बड़ा खराब रखा है इस बंदे ने अपना यार, गाली भी नहीं बक सकता बंदा इसको। ओके तो इस्लाम भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये मूव चलाया है, और इनके साथ मोहब्बत कायम रखेंगे। चलें फिर अपना ऊँट तो खोलें हम। अल्लाह करे ये अपनी दीवार लेके यहाँ पे आए। ये ऊँट भी ला सकता है ग्रीडी करने के लिए, मुझे दीवार खाने के लिए, लेकिन उससे तो मैं रास्ते से हटा दूंगा। सिर्फ पॉन आगे करके पूरी चेन बना रहा हूँ मैं पॉन्स की, किंग साइड पे, जिसके लिए मैंने ओपनिंग की थी एक्चुअली। देखा, मुझे मालूम था यही होने वाला है, इसकी तैयारी तो मैं पहले कर चुका हूँ बेटा।
और अब जो है हम तैयारी करेंगे इसकी, किसकी, इसकी। हम उस फोन को बचाने जाएंगे ही नहीं। लगता है इतने आराम से खा लेगा इसको। उसको ये पता नहीं है कि इसको अपनी रानी यहाँ से हटानी पड़ जाएगी। चूल्हा तो यकीन जाएगा, मेरा मेरा ऊँट वापस आएगा और फिर जो है इसके बाद चॉइस होगी कि इसको क्या बचाना है। क्योंकि तो अगर ये रानी हटाएगा तो उसकी दीवार मर जाएगी, और अगर ये दीवार हटाएगा तो इसकी रानी मर जाएगी। ये भी एक तरह का ट्रैप है, थोड़ी बहुत ट्रैपिंग तो मैंने सीख ही ली है। देखते क्या होता है। फोन तो इलाज भी खाएगा, इसके दिमाग में नहीं आएगा कि इस फोन को खा लूँ, घोड़ा और पेन है और इजी इजी काम हो सकता है। अरे बचा लिया साले ने, और इसी के साथ मेरा घोड़ा पिन से हट गया। अब आप टुल्ला नहीं खा सकते। लेकिन मुझे इस घोड़े को हटाना पड़ेगा, इसको ग्रीडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दीवार के बिल्कुल सामने इसका ऊँट है, और अगर इसकी दीवार वहाँ से हिल गई तो मेरा काम हो गया समझो। डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगा अगर इसने घोड़ा नहीं खोला तो। हाँ तो भाई साहब, ये तीसरा और तीसरे के बाद चौथा गेम, ये गेम इनसे बहुत टफ खेला है। ओह शिट, ये क्या किया इसने, ये क्या कर दिया मुन्ना। ये क्या किया, क्या इस तरह तो मेरी पोजीशन अच्छी होती जा रही है। वो मारेगा, मैं घोड़े से मार दूंगा, मेरे पापा क्या जा रहा है। घोड़े से टुल्ला खाऊंगा, ये मेरा घोड़ा खाएगा, उसके बाद मैं उसको उठा के छेक दे दूंगा। फिर ये भागेगा और फिर मैं इसको चेक दे के इसकी दीवार भी खा जाऊंगा। सिंपल है मेरे लिए, ये ले खा जा। आ नहीं, नहीं खा सकता मैं दीव रानी, लेके नहीं घूम रहा यार। लेकिन हाँ, हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरी रानी यहाँ पे आएगी अब F6 पे और फिर इसकी दीवार खाएगी। सही है, आ जा। गई दीवार, घोड़ा पिन हो गया है, वो दीवार भी इसकी नहीं खुल सकती। अमेजिंग है, वेरी गुड। अरे इसने लगता है देखा नहीं कि मैं इसकी दीवार कहाँ खा रहा हूँ। इसे फिर से चेक लगेगा। ठीक है, एक और चेक। अब अगर इसने वापस पीछे किया तो चेकमेट हो जाएगा। चेकमेट, इसको वैसे चेकमेट नज़र नहीं आते। तीन ठीक है, फिर चेकमेट की थ्रेड पक्की बना लेते हैं भाई, एज यू लाइक। तो ये एक और चेक आया, यहाँ भागे, कहाँ कहाँ भागोगे यार। ये लो, ये पकड़ो। ठीक है, अब ये पकड़ लो, वेरी गुड। ये हो गया जी चेकमेट खत्म।
अबे यार ये इंग्लिश की में इम्प्रेस्ड की स्पेलिंग क्या आएगी? इम्प्रेस्ड, इम्प्रीस्ड, इम्प्रीस्ड नहीं यार, इम्प्रेस्ड। इस दफ़ा करो यार, नहीं लिखनी हमने इंग्लिश। बी केयरफुल, इसने लिख के तो भेज दिया है, लेकिन 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 यहाँ पे रूल ऑफ पे तो ओपनिंग आ रही है, जो कि बड़ी आसान ओपनिंग है, बड़े मज़े से खेलूँगा मैं। अगर ये पोंजियानी पे गया तो नहीं, पोंजियानी पे तो गया ही नहीं है। फ्राइड लीवर अटैक का अगर से काउंटर किया तो फ्राइड लीवर तो हम खेलेंगे ही नहीं, सिर्फ पोजीशन बनाएंगे। अगर घोड़ा लागे लाया तो फिर हम टुल्ला आगे लेके जाएंगे, लेकिन उस टुल्ला लाने से पहले हम कोई अपना भी घोड़ा डेवलप करना ज़रूरी है। हाय हाय, वर पोजीशन मैन। इस तरह की ओपनिंग्स जब खेली जाती हैं तो पुरानी ओपनिंग्स हैं, पुरानी लाइंस हैं, इजी होता है खेलना, और ये तो कुछ ज़्यादा ही पुरानी है, दादा पर दादा से भी पुरानी होगी मेरे ख्याल के, पता नहीं कितनी पुरानी ओपनिंग है ये। व्हाट यू गोना डू, व्हाट यू गोना, ओ, ये गलत मूव है बेटा, ये गलत मूव है, गलत मूव है। ये तो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं किंग साइड पे कासल कर रहा हूँ और आप बेल मुझे मार। चलो फिर, ओके ला घोड़ा ला, 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 पहले ये मरेगा। अरे पप्पा तो बैंड बजाए, पप्पा तो बैंड बजाए, मुझे मालूम था यही होने वाला है, इसीलिए मैं रेडियो के बैठा था। अब मैं जाऊंगा क्वीन साइड कासल की तरफ और अपने पॉन्स को पुश कर दूंगा, दैट्स इट। क्या करें, खाएं कि ना खाएं? तो पहले तो हम इसके पॉन, अपने पॉन पुश कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पॉन पुश नहीं करेंगे। अभी हम इसको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी वजह से हम भी ट्रैप में आ सकते हैं, क्योंकि इसकी दीवार लाइन में है, ओ सॉरी, इसका ऊंट और रानी दोनों एक ही लाइन के अंदर है, और एक ही लाइन के अंदर हैं, ये तो मेरे लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मेरे पास ऊँट है, घोड़ा है। अब क्या लाओगे? आपने तो पूरी गेम ही हमारी खोल के रख दी है। दीवार के हिलते ही टुल्ला मरेगा। चल मेरा भाई, मुझे लगता है कि गेम अब दी एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम, इस तरह नहीं होगा तो किसी और तरह हो जाएगा। पहले तो अपनी दीवारों को बाहर निकालनी है, दीवारों के लिए अच्छी लाइन कौन सी है? मुझे तो एक ही लाइन दिख रही है सही वाली, कि यहाँ पे भी चेक आ सकता है, क्वेश्चन गड़बड़ हो सकती है, मैस हो सकती है, बहुत कुछ, बहुत ख़राबी आ सकती है। बेहतर है कि हम इसको आगे करते हैं, बेहतर तो यही है। हाँ, इसको बोलते हैं ख़राब मूव, या आई चेकमेट की थ्रेट। अब रानी हटी और चेकमेट, गेम ख़त्म। टेक बैक हो सकता है, ओ गेम फिनिश। फिर रही मैच, यार कितने गेम्स खेलेगा मेरे साथ, ये पागल हो गया बंदा, यार भी पागल हो गया। इसको लगता है मुझे गेम जीतानी पड़ेगी,
तो एक काम करते हैं, जानबूझ के से गेम हारते हैं ताकि इस बच्चे को थोड़ा सा हौसला मिले कि हाँ ये खेल सकता है। तो इसके सामने बिल्कुल भद्दी गेम खेलते हैं, बहुत ख़राब वाली। अपनी पोजीशन हम बिल्कुल भी अच्छी नहीं करेंगे, इसकी पोजीशन अच्छी कर देंगे। हाँ अगर यहाँ पे मैं पुश करूँ इसको और फिर ये खाऊँ तो ये मेरी रानी खा जाएगा, और फिर इसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे रानी उड़ा दिए तो हो जाएगा काम। ठीक है, अरे इसने ब्लॉक कर दी, सुखा जाना चाहिए था, इसका फ़ायदा हो जाता है इसमें। तो क्या कह रहे हैं, हम एक काम करते हैं अपने पीसीस को इस तरह रखते हैं कि पोजीशन हमारी जो है ना वो ना खुलने वाली हो। ठीक है, ये हमने अपना एक ऊंट ब्लॉक किया, अब दूसरा ऊंट भी ब्लॉक करेंगे, दूसरा ऊंट भी ब्लॉक कर दिया, रानी ब्लॉक कर दी, पूरी तरह से गेम फंसा दिया अपना। और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। सेकेंड मूव, हाँ ये सही है। या अल्लाह, हम अच्छे बने तो हम बुरे हैं और हम बुरे बने तो हम बुरे हैं। ऊंट से मारने के लिए आएगा शायद, घोड़ों से इतने ज़्यादा मूव मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खेले होंगे जितने इस गेम में खेल रहा हूँ मैं। और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक बंदे को गेम देनी है ताकि, हाँ ये बिना बात, लेकिन इसमें घोड़े पर अटैक बना है बेटा। घोड़ा जो है ना वो होता है ख़राब पीस होता है, अच्छे पीस से खेलना चाहिए, जीतना चाहिए तो मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी पोन पोजीशन मैस हो रही है, और उसको मैस कर दे तो मतलब फ़ायदा हो जाएगा इसका, टुल्ले बढ़ा के ये रानी कर सकता है एंड में। तो यही करते हैं, एक्सचेंज एक्सचेंज खेलते हैं इसके साथ, और अपने एक पीस जो है हम अपना जानबूझ के ट्राई करेंगे, उससे लगेगा उसने ट्रैप कर लिया, देखते हैं किस तरह कर सकते हैं। फिर उसका पॉन कैप्चर करते हैं और फिर उसके ट्रैप में फंसते हैं। ये ट्रैप कुछ बना भी तो नहीं रहा, मुसीबत, कुछ बनाए तो बात बने, ऐसा ना हो कि मेरे दो घोड़े इसकी गेम पूरी करके आ जाए। ये देखें, ये मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हो सकता है, पहले तो ये हो सकता है, अब बस ये सेक्रीफाइस ना करे फिर बात बनती है। यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन बन रही है, लेकिन इसमें ये गलती करेगा तो उसको खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अब ये भी एक तरह का ट्रैप डाला है मैंने, और ये शायद खा जाएगा इसको। या तो तब पोन पुश करे, अगर पोन पुश करेगा तो ये क्या किया इसने, क्या किया, ओ ये क्या कर दिया उसने, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। टाइम से तो मैं से नहीं हारना चाहता, टाइम से हारना
घोड़ा हटाया तो समझो फिर मरा, तो पहले तो उसके अच्छा थोड़ा सा है मूव इसके पास, तो सबसे पहले तो इसको पीछे करते हैं, हो सकता है घोड़ा लेके आएगी। अब ये ऊँट रख सकता है सामने, पप्पा तो बैंड बजाए, टिंग 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 टिंग, पप्पा तो बैंड बजाए, प्रिंसिपल खुद बन जाए, कीप क्वाइट रूल बनाए, टिंग 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 टिंग, इडियट हो तुम, गधे हो अभी तुम्हें नॉलेज नहीं। चलो यहाँ पे आके देखते हैं। कैप्चर कैप्चर, और इसके बाद मैं अपना ऊँट निकाल सकता हूँ, कैसल कर सकता हूँ, पोजीशन बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो हारना था। पहले तो सूट को यहाँ रखते हैं। अभी तक कोई बड़ा पीस कैप्चर नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए था अब तक। तो मूव नंबर 14 आएगा अभी, 13 मूव तक तो कोई कैप्चर नहीं आया, वरना इतनी देर में एक आधा कैप्चर तो देखने को मिल ही जाता है। उफ देखते कुछ। थैंक्स। अच्छा मुझे इंग्लिश लिखनी आती है, पढ़नी भी आती है, समझ में भी आ जाती है, लेकिन जब बोलने बैठता हूँ तो फिर सब लूल हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम इसका एक ऊँट कैप्चर कर सकते हैं, रानी भी अटैक में आ सकती है, तो डेंजरस पोजीशन हो जाएगी उसके लिए, क्या करें। अगर वाइट वाला ऊँट, ये वाला अगर इसे कैप्चर करेंगे तो रानी आएगी उसको रिकवर करने के लिए, और उसके बाद अगर हम अपना पॉन आगे बढ़ा देते हैं जो कि घोड़े से गार्ड होगा, तो वो इसको बहुत तकलीफ़ दे जाएगा। ये नहीं करना, इसको ये गेम जीता नहीं है। और उसके बाद को बोल देना कि यार नहीं भाई मैं थक गया हूँ। ये देखे, पहले कर सकता था लेकिन नहीं किया मैंने। अच्छा इस मूव के बाद अगर ये मेरा कैप्चर कर भी लेता है तो उसके बाद भी मेरे पास एक और मूव है, ये तो इसने अभी के अभी अलाउ कर दिया है मुझे। अब अगर मैं अपना ये पॉन आगे कर दूं तो मजबूरन इसको मारना पड़ेगा, मैं इसकी दीवार डायरेक्ट उड़ा दूंगा इस ब्लैक ऊंट से। उसके बाद ये कैप्चर करे नहीं करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या करें। ऐसे बच्चों के सामने तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही खेलना पड़ेगा भाई। अगर गेम इसको देनी है तो, अगर जीतने वाली कहानी होती तो अब तक तो मैं काफ़ी कुछ कर चुका होता। 16 मूव तक तो बहुत मुश्किल है गेम। पहली गेम इसके सामने खेली थी 16 मूव में ये चेकमेट हो गया था, दूसरी में 19 मूव थे, और तीसरी के अंदर 21 मूव थे, और चौथी मैंने अभी जो लास्ट खेली थी इसका मैंने काउंट नहीं किए, मूव्स देखे ही नहीं।
थोड़ी लंबी चली थी गेम चौथी वाली। अच्छा ये क्या कहेगा, देख कुछ नहीं कहा, मतलब इसे पता भी नहीं कि वो मुंह आ रहा है, इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। अच्छा देख अब अभी भी बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है, लेकिन अभी भी नहीं करेंगे या कर दें, करके दिखा दूँ एक दफ़ा। चलो थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, डेमो दिखा देता हूँ। ये लगा चेक, ये रानी से मारा, ये गया, ओके ये अच्छा मूव था। दीवार ट्रैपिंग पे ले आए, दीवार ही ट्रैपिंग पे ले आते हैं। अरे नहीं दीवार तो फोन को गार्ड कर देगी, फिर तो इसके लिए गेम में कुछ भी जगह नहीं बचेगी। दीवार तो गार्ड कर देगी, चलो बादशाह को हटा देते हैं ताकि टुल्ला मार सके। अच्छा देखिए ये हो सकता था, अब तो सारा सी दीवार पे नहीं ये बचा लेगा, तो ये हो सकता था वो मूव। रानी से तो बचाने के लिए जाएगा तो फंसेगा। चलो अब अपना ट्रैप हम दिखा ही देते हैं, ये गई इसकी दीवार, अब शायद रानी लेके आए। वेरी गुड, यहाँ पे हम अपनी रानी का सहारा लेके पिन करते हैं, पॉन बचाते हैं। इसके बाद दो पॉन्स हैं हमारे पास, इस साइड पे तीन, इस साइड पे तीन, पॉन्स तो बराबर हैं लेकिन मेरे थोड़े से अपने मैस कर दिए हैं पॉन। अब ये वाला पॉन भी कैप्चर हो सकता है, लेकिन घोड़े से कैप्चर होना चाहिए ताकि फिर वो पॉन जो है पुश होके उसको बचा सके। अगर रानी से पुश करेगा तो मैं घोड़ा खा जाऊंगा। तो मैंने पूरी कोशिश कर ली गेम हारने की पर हार ही नहीं जा रही। ये देखो यार क्या हो रहा है गेम के अंदर, उफ जहर लग रही है मुझे। ठीक है चलो आ जाओ। ओ आपको दीवार डालनी पड़ेगी बेटे जान। नहीं लाया दीवार तो मतलब ये हुआ कि हम एक और किल के लिए जा सकते हैं। चलो फिर कुछ इस तरह से करके देखते हैं। अब तो चेकमेट की पक्की थ्रेट है, तो अगर ये पीस कैप्चर करता है तो उसकी दीवार गई, और अगर नहीं करता तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आएगा डबल चेक लगेगा, रानी से खाया जाएगा, बड़ी परेशानियाँ होने वाली मुझे। सही है ये पदल चेकमेट है, और अब ये चेकमेट हो गया। और आखिरकार उसको एक गेम जिताने में हम कामयाब हो गए। इसने पजल मूव ढूंढ लिया है, चला लिया है,
अब बस उसको चलाने की देर। अरे नहीं 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 ये तो अभी भी नहीं बन रहा। मेरी रानी यहाँ खड़ी हुई है। शिट शिट, मेरी रानी यहाँ अगर नहीं होती तो ये हो जाता। अरे यार शिट, बेगम लाइट ऑन कर दें प्लीज। अच्छा यहाँ पर इसकी रानी जा रही है और फ्री में जा रही है। खैर कौन इज अ गुड मूवी है। अब खैर कौन खोल के देखते हैं। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। क्या करूँ, प्लेयर ऐसा है मेरे सामने। यार यहाँ पे तो बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैप आ रहा है। पोंजियानी पोंजियानी, लेकिन से घोड़ा नहीं निकाला है तो पहले मुझे ये कर लेना चाहिए। उसके बाद ये करना चाहिए। कमान क्या कर रहा है यार, इसको बिल्कुल भी नहीं आती गेम खेलनी है। ओके कोई रैम नहीं करेंगे अब।
ये फिर से किंग साइड कासल करने ही जाएगा, दोबारा से किंग साइड पे ही कैप्चर करेंगे। ये देखें वहीं वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए, वहीं जा रहा है। हम तो पौन आगे पुश करते हैं, पूरी तरह से अटैक वहाँ पर है। मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है। सिली मैन, जो सबसे पहले तो मुझे फोन को आगे पुश करना था, उसके बाद जरूर का सेक्रीफाइस और फिर ये। तो क्या करें पहले ये, फिर वो, फिर इस तरह से कुछ नहीं समझ जाएगा, थ्रिल देख लेगा। तीन गेंद बच्चों की तरह हार चुके हैं, अब नहीं हारेगा। फिर तो अपने पोन को आगे लेके जाते हैं कि हमारी पोन की वजह से उसकी थोड़ी सी पोजीशन ख़राब होगी और फिर हम दूसरे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इस पोन को यहीं छोड़ दो, कासल करते हैं, दीवार को बाहर निकालते हैं, ऊपर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा। बहुत सारे ट्रैप्स आ रहे हैं दिमाग में। शटल आगे आ सकता है मेरे घोड़े को पीछे करने के लिए, मेरा घोड़ा टिक पे जाएगा, ये मारेगा, मुझे मजबूरन मारना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन टोले की ऐसे में फंसूंगा और टोले की ऐसे हो सकता है जीत भी जाऊं। मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है, पहले से कैलकुलेट करके रखा था बेटा, आप सोचते रहो। गुड लक। अब मेरा चेहरा शायद काफ़ी सारे लोगों ने देखा हुआ होगा, पहले तकरीबन आधा कराची तो मुझे देखता भी गुजरता है, आज पहली बार मेरा चेहरा देखेगा इस चैनल पे और शायद हैरत के शिकार भी होंगे। ओ घोड़ा लाने की तैयारी है, मतलब चेकमेट की थ्रेड जो है वो समझ ली गई है। तो क्या करें, अब पोजीशन फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारा ये पोन आगे निकलेगा, इसकी रानी आएगी B6। इसकी रानी B6 पे आएगी आएगी आएगी। हमें अपना ब्लैक मूव जो है सबसे पहले E3 पे करना है। नहीं आई, कम ऑन यार, ये कैसा प्लेयर है, इसने लगता है अभी तो कुछ सीखा ही नहीं मुझसे, बैड स्टूडेंट। चलो चला दे यार, थक गया पक गया। ओके, अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अब तो रानी लिया यार, अभी भी B6 पर रानी नहीं ला रहा ये, इसी का मैं होता कब का ला चुका होता। अभी दिखने में लग रहा होगा आप लोगों की शायद चेकमेट है, लेकिन चेकमेट नहीं है ये, ये तो बस छोटी सी अभी ट्रैप जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो पहले तो इसको लगेगा ये चेक, ये आएगा ऊपर, कोने में नहीं जाएगा। ओ
उसके बाद हम इसको इसके टुल्ले को हटाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो घोड़ा है वो गार्ड हो जाएगा और उसका टुल्ला पिन हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या करें, अभी क्या करें, सिंपल सिंपल बताओ। खान साहब ये देखें, इसका बादशाह पिन पड़ा हुआ है। अभी अपना बादशाह हटा सकता है, लेकिन मैं इसका टुल्ला खा जाऊंगा। टुल्ला खा के फिर इसका एक टुल्ला खाऊंगा और फिर अपने पॉन को पुश करूंगा। यहाँ पे तो मुझे तो वैसे कि टुल्ला ही समझ में आ रहा है कि इस टुल्ले को पहले खाना है। ब्रिलियंट, इसे खाओ उसे खाओ, किसी भी चीज से खाओ, बस खा जाओ। अच्छा एक और खतरनाक मूव दिखाऊं, जबरदस्त मूव है सर। घोड़ा पिन हो गया, पीछे दीवार खड़ी है, और दूसरी बात ये कि एक फॉग भी बन रहा है और फोक में जो इसकी दीवार चली जाएगी। अब गेम थोड़ी सी जो मज़ीद डेडली होने वाली है। फोक इज कमिंग बेबी, सेव योर सेल्फ। वीडियो ख़त्म करूंगा और उसके बाद जैसे कि पान खाने की मुझे लत है तो फिर मैं अपने पान जाके खाऊंगा और क्या करूंगा। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव। कैप्चर, कैप्चर नहीं, हाल फिलहाल तो अपने आप को सेव ही करना पड़ेगा। सेव करने के लिए अगर हम इस लाइन में आते हैं तो ठीक है, उस लाइन में जाते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पे आते हैं तो ये चेक नहीं दे सकेगा। काफ़ी कुछ ये नहीं कर सकता है मेरी इस पोजीशन पे। आ ये कि मेरी दीवार को पिन कर सकता है, रानी सामने रख सकता है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गली के अंदर हमारे कमीने कुत्ते बहुत हैं। तो अगर ये इसको मारता है तो हमें तो बस ये पोजीशन चाहिए फिर।
दे पाएंगे, लेकिन ये किसी बादशाह की जगह पोजिशन क्लोज कर सकते हैं। पोजिशन क्लोज करने के बारे में सोचना चाहिए था। चलो अभी लग रहा है रानी ना आई, पर बेचारा मुसीबत में आ जाएगा। वेरी गुड, मैं अपनी पोजीशन बरकरार रखने वाला हूँ बेटा। फीलिंग सॉरी फॉर यू। एक फॉग बनेगा, मेरा ऊंट मर सकता है लेकिन मरेगा नहीं, बचा लूँगा मैं उसकी जगह पे, रानी चली जाएगी। ओ फॉग के अंदर जो है ऐसा घोड़ा चला जाएगा और मेरे पास पीस थोड़े से बेहतर ही होंगे। ओह शिट, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। Now can now you can move it. Very good. Nothing is coming here. Nothing. First thing first. Okay, पहले तो ये यहाँ आएगा। दीवार तो डेफिनेटली नहीं ला सकता ही है, लेकिन ये अपनी रानी सामने रख सकता है। रानी समझे एक्सचेंज कर लेंगे। और अभी अगर इसने घोड़ा हिलाया तो मैं इसकी रानी को भगाऊंगा, और अगर इसकी रानी भागी तो समझ लेके चेकमेट हो गया। ओ ये तो चेकमेट ही हो गया यार, आई डोंट लाइक इट। बहुत लंबी वीडियो हो गई भाई। तो यहाँ पे गाने सुन रहा था मैं, लेकिन वीडियो पे ले स्टॉप करते हैं, उसके बाद गाने सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज के लिए इतनी काफ़ी है।